प्लानिंग हमारे ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारे लाइफ या लाइफ के जो टारगेट्स हैं वो अचीव करना हो। जितने भी माइलस्टोन हम अपनी लाइफ में सेट करते हैं उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है, जो कंट्री के टारगेट होते हैं उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वॉट इज़ प्लानिंग, या प्लानिंग इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन रही है, या प्लानिंग कमीशन का जो रोल है वो क्या रहा है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया, तो अभी नीति आयोग के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, रिसर्च स्कॉलर एंड क्वालिफाइड JRF, और टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्लानिंग इन इंडिया। सो हम स्टार्ट करेंगे कि वॉट इज़ प्लानिंग। तो 20th सेंचुरी में माना जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। एक स्टोरी की जाती है कि जब 1929 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसके बाद से आप देख क्राइसिस आई, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो सोवियत यूनियन इस जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, इसके इफेक्ट हुए थे वो सोवियत यूनियन पर बहुत कम पड़े थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था सोवियत यूनियन के जो प्लानिंग सिस्टम था। और इस घटना के बाद से जो USSR की प्लानिंग सिस्टम थी, इसने पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट किया था। इंडिया में भी हमने इंडिपेंडेंस के बाद से मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, हमने 5 ईयर्स प्लान अडॉप्ट किया, तो ये सारे सिस्टम रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि प्लानिंग, सो प्लानिंग बेसिकली क्या है। प्लानिंग एक तरीके का रोड मैप है, एक स्ट्रैटेजी है कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन कर रहे हो, राइट? आपके ही लाइफ, स्टूडेंट लाइफ का हम एग्जांपल लेंगे। आप अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट है आपको यूपीएससी क्लियर करना है, राइट? अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो क्या है, आप कुछ एक रोड मैप बनाएंगे ना, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि पहला क्या है, मुझे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसे गेन करना है, दैट इज़ ग्रेजुएशन डिग्री। अब ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे डेली में, जिससे कि आपकी करंट अफेयर प्रिपेयर होती रहे। फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे जिससे कि आपका पूरा सब्जेक्ट या सिलेबस कवर हो जाए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और फिर आप अटेम्प्ट देंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे और आप IAS के रूप में सेलेक्ट होंगे। तो ये आपका गोल था टू क्रैक द UPSC, और इसके लिए आपने पूरा रोड मैप बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई और अपने गोल को अचीव किया। इन द सेम मैनर जब हम किसी कंट्री के कंटेक्स्ट पे बात करते हैं प्लानिंग की, तो ये प्लानिंग किस पर्सपेक्टिव पे होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, राइट? तो इस पर्सपेक्टिव पे हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो इंडिया के केस में अगर हम जो प्लानिंग आज समझ रहे हैं, तो समझते हैं पहले कि प्लानिंग है क्या। तो प्लानिंग जब वर्ड आता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन प्लान बनाता है, क्यों प्लान बनाते हैं, कैसे प्लान बनाया जाता है, और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी प्लान, जो प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है उसका। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आने चाहिए जब भी हम प्लानिंग वर्ड आता है। तो प्लानिंग क्या है, एक तरीके की क्या है, डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है जिसमें मैनेजेरियल फंक्शंस होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोगों को हायर किया जाता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट होते हैं, स्टाफ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग को अचीव किया जाता है। तो अगर एक छोटा सा वीडियो हम देखें प्लानिंग के बारे में, तो आप नीति आयोग का ये मीटिंग का एक वीडियो है जो नीति आयोग की साइट पे ही पड़ा हुआ है ये, तो किस तरीके से प्लानिंग है वो की जा रही है। यहाँ पे सारे स्टेट के मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, और सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपर डिस्कशन होगा, इसके बाद से डिसीजन मेकिंग होती है, कुछ गोल्स सेट किए जाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजी सेट की जाएगी कि किस तरीके से हमें इन गोल्स को अचीव करना है। तो ये आपका प्लानिंग हो गया। तो होप सो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज प्लानिंग। अगर आपको प्लानिंग क्लियर हो गई हो, तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होता है। सो
वेरियस टाइप्स होते हैं प्लानिंग के. तो जैसे पहला जो है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग. सो इंडिकेटिव प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्शन नहीं दी जाती. पहले आप इम्पेरेटिव समझ लो, तो उससे बेटर कंट्रास्ट में आपको इंडिकेटिव समझ में आएगा. इम्पेरेटिव प्लानिंग्स में क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या रिसोर्स ऑफ द कंट्री हैं वो किसके डायरेक्शन में कंट्रोल या ऑपरेट होते हैं, स्टेट के. एक तरीके से इम्पेरेटिव प्लानिंग में डायरेक्शन कौन दे रहा होता है, कौन स्ट्रेटजी सेट कर रहा होता है, स्टेट सेट कर रहा होता है, मतलब गवर्नमेंट सेट कर रही होती है. स्टेट का यहाँ पर मतलब है गवर्नमेंट सेट कर रही होती है. इंडिकेटिव प्लानिंग में जो स्टेट का रोल है, जो गवर्नमेंट का रोल है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जैसे जो कैपिटलिज्म में होता है, वो आगे आते हैं, डिसीजंस लेते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है, बस फैसिलिटेट करती है. गेटिंग इट? गवर्नमेंट का क्या काम है, फैसिलिटेट करना, जिससे कि डेवलपमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसे एग्जीक्यूट किया जा सके. तो ये है इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इम्पेरेटिव प्लानिंग. दूसरा आपका आ जाता है रोलिंग एंड फिक्स्ड प्लान. रोलिंग एंड फिक्स्ड प्लान में आप देखोगे, रोलिंग प्लान क्या है, जो हर साल होता है, राइट? एवरी ईयर 3 new plans आर मेड. जबकि जो फिक्स्ड प्लान होते हैं, जैसे 5-year plans, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए फिक्स्ड प्लान बनाया जाता है. जैसे 5-year plans इंडिया में 5 साल के लिए कुछ टारगेट सेट कर दिए जाता था, थीम सेट की जाती थी कि इन 5 साल हमारा जो फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर में रहेगा या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रहेगा. इसी तरीके से जो दूसरा टाइप है वो है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड का प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग है उसमें क्या है, आपको सेंटर्स से गाइडेंस, डायरेक्शंस मिलेगा. सेंटर डायरेक्ट करेगा कि आपको क्या चीज़ें, क्या प्लान करना है, कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, क्या टारगेट अचीव करना है. जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ग्रासरूट्स लेवल पर होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एजुकेशन का कोई लिटरेसी रेट है, जैसे कि आपको 100% लिटरेसी रेट अचीव करना है, इसके बारे में एक प्लान बनाया गया, ये टारगेट अचीव करना है. तो ये टारगेट जो है वो कौन सेट किया, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया. तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो गई. अगर यही टारगेट हमारे जो लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सेट किया जाता, डिसीजन लिया जाता ये टारगेट, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रोसेस बनाता, एक रोड मैप बनाता कि जो 100% लिटरेसी का टारगेट है ये हम कैसे अचीव करेंगे, और ये प्लान फिर किसको पास किया जाता, सेंटर को पास किया जाता. तो ये हो जाता आपका डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. इसी तरीके से आपका डेमोक्रेटिक प्लानिंग एंड टोटालिटेरियन प्लानिंग. डेमोक्रेटिक प्लानिंग में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है. मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जैसे कि पीपल्स, सिटीजन्स हो गए, एनजीओ हो गए आपके, वेरियस सिविल सोसाइटीज़ हो गई आपकी, राइट? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा. सो डेलिबरेशन प्रोसेस, कंसल्टेशन प्रोसेस के साथ में डिसीजन लिए जाएंगे, टारगेट सेट किए जाएंगे. जबकि जो टोटालिटेरियन प्लानिंग है ये सेंट्रल, ये कंट्रोल्ड प्लानिंग होती है. ऊपर से पर्टिकुलर अथॉरिटी डायरेक्शन देगी कि ये अचीव करना है टारगेट्स, और इस तरीके से अचीव करना है. तो ये हो गया टोटालिटेरियन प्लानिंग. गेटिंग इट? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग है जो फॉर्मुलेट की जाती हैं, जिसके थ्रू टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की जाती है. तो अगर आपको टाइप्स ऑफ प्लानिंग का आइडिया लग गया होगा गाइज यहाँ पर, तो फर्दर चलें. इतना बेसिक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप आंसर लिख पाएंगे मुझे लगता है, और फ्लो चार्ट जरूर बनाना अपने आंसर में. तो प्लानिंग में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लानिंग में हम क्या करेंगे, लोगों का जो देश की जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, टारगेट सेट किया जाएगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई करने की कोशिश की जाएगी, लिटरेसी रेट अचीव करना होगा, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है इंडिया की रैंकिंग अच्छी लानी होगी, ये सारे, या पर कैपिटा इनकम है लोगों को इसको इंक्रीज़ करना होगा, डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज़ करना होगा, ये सारे टारगेट सेट किए जाते हैं प्लानिंग में. तो इंडिया का जो, इंडिया में जो प्लानिंग सिस्टम है, अगर हम इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें, एक नज़र डालते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ प्लानिंग इन इंडिया में.
तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग शुरू हुई है। जो प्लान्ड डेवलपमेंट था, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत पहले आइडेंटिफाई कर ली गई थी इंडिया में। तो जब फॉर्मल तरीके से कब शुरू हुआ है, इसे थोड़ा सा एक नज़र डालें, तो 1929 के बाद से आप देखोगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जिसका रोल रहा है, तो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो कांग्रेस थी, आईएनसी थी, उसने जो प्लानिंग या प्लान डेवलपमेंट था, इस पर स्ट्रेस करना शुरू कर दिया था कि अगर हमें देश में सिस्टमेटिक ग्रोथ बढ़ानी है या डिज़ायर्ड हमें रिजल्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, टारगेट्स अचीव करने हैं, तो प्लान्ड इकोनॉमी होना ज़रूरी है। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत होती है कि किस तरीके से हमें ऊपर उठाना है। तो सिस्टमेटिक जो पहली बार जो वर्क आया था प्लान्ड इकोनॉमी में, वो था 1934। और 1934 में एक इंजीनियर थे आपके विश्वेश्वरैया, जिन्होंने 10 ईयर प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रपोज किया था अपनी बुक में, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत ही पॉपुलर रहा था ये जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद से एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की शुरुआत होती है कि किस तरीके से हमें इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है। तो आप देखोगे कि ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है, राइट? बिफोर इंडिपेंडेंस हमें दोनों ही समझने हैं। तो पहला हो गया आपका, एक टाइमलाइन में समझते हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, हम उसको एक टाइमलाइन में समझेंगे, जिससे कि आपको स्टोरी की तरह से समझना है। अगर आप बस इस टाइमलाइन को ध्यान रखना और अपने एग्जाम में इसको ऐसे मेंशन करना, तो पहला आपका सिस्टमेटिक प्लान आया विश्वेश्वरैया प्लान 1934 में। तो उन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए 10 ईयर प्लान प्रपोज किया था प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से। इसके बाद से नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है 1938 में। ये 15 मेंबर्स थे इसमें, और इस 15 मेंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट सब कमेटीज़ बनाई गई थी जो इंडिया की नेशनल इकोनॉमी के वेरियस एस्पेक्ट को डील कर रही थी। अपने जो रिकमेंडेशन देना था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी को वेरियस जो एस्पेक्ट थे नेशनल इकोनॉमी के, उस पर रिकमेंडेशन देनी थी। कैसी रिकमेंडेशन? कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या रोड मैप अपनाएं, किन एरियाज़ में फोकस करें, जिससे कि हम जो हमारे गोल हैं हम उनको अचीव कर सकें। इसके बाद से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है दी बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आपका 1944 में कुछ जो मेजर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया था, जैसे कि पुरुषोत्तम ठाकुर दास हो गए, JRD टाटा या दूसरे लोग जो थे, इन्होंने प्रपोज किया था। और इसमें बात की गई थी कि जो हमें जो एग्रीकल्चर को डोमिनेंस दिया जा रहा है, ओवरवेलमिंग डोमिनेंस दिया जा रहा था एग्रीकल्चर को, उसे रिड्यूस करना है और एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करनी है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी हमें फोकस करना चाहिए था। ये ऐसी इनकी रिकमेंडेशन थी। पीपल्स प्लान 1945 M.N. रॉय के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और ये 10 ईयर प्लान था जिसमें M.N. रॉय ने एग्रीकल्चर और जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, जो डेली यूज़ की, जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं, उन्हें कलेक्टिव मैनर में या जो ग्रास रूट लेवल पे है ना, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रास रूट लेवल पे इन सारे चीज़ों को बढ़ाना की बात की, ना कि जो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल या बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज थी उन पर फोकस नहीं करने की बात की। फिर गांधीयन प्लान आता है। गांधीयन प्लान सजेस्ट किया था आपके श्रीमन नारायण ने, और इसमें इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन और फोकस किसको, रूरल डेवलपमेंट को फोकस करने के साथ बात की थी। तो गांधीयन प्लान में जो सजेशन दिया गया कि जो प्लानिंग है, वो जो रोड मैप है वो कैसा होना चाहिए, जो भी रोड मैप रहेगा रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो विलेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, राइट, उन पर फोकस किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा। जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। ऊपर हमने डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग समझा था। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या था? जो लोकल, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ से प्रपोजल आएगा, टारगेट्स आएंगे, स्ट्रेटजीज आएंगी, उनके थ्रू सजेशन आएगा। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रिलेवेंट क्यों होती है, क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि लोकल जो लोग हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, उन्हें बेटर आइडिया होता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ग्राउंड में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके का स्टेटस है। तो अगर
लोकल अथॉरिटीज डिसीजंस लेते हैं तो वो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो होती है वो हमेशा इफेक्टिव होती है, अच्छी होती है। अभी आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, तो इसका भी सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव यही था कि बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करना है। बॉटम अप अप्रोच मतलब प्लानिंग का जो सजेशन है, ये स्ट्रैटेजीज ये नीचे से आने चाहिए, मतलब लोकल अथॉरिटीज से आना चाहिए, ग्रास रूट लेवल से आने चाहिए। नेक्स्ट जो आया था सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान को सजेस्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने, और इस पर जो फोकस करने की बात की गई थी इन प्लान में, उसमें एग्रीकल्चर पर फोकस करने की बात की गई थी और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इस चीज़ पे बात की गई। फिर पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन, ये इसमें 1941-1946 में इसमें बात की गई थी। आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत ही डिवास्टिंग था, बहुत सारे रिसोर्सेज का लॉस हुआ था, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, राइट, बहुत ज़्यादा गरीबी भी आ गई थी, वेजेस कम हो गए थे लोगों को, तो जिस तरीके की डिवास्टिंग सिचुएशन थी उससे उभर कर ऊपर आना था। तो बहुत सारे यहाँ पर रिकमेंडेशन आए, सजेशंस आए कि किस तरीके से हमें अपना रोड मैप बनाना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें बनाना चाहिए। इसके बाद ही नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड 1946 में सेटअप किया गया, और इस जो बोर्ड है इसकी मेजर जो रिकमेंडेशन थी, तो एक वेल कंसीडर्ड प्लान रिकमेंड किया गया। और जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल हो गया, हाइड्रो पावर हो गई, इसका कंट्रोल यूज़ करने की का सजेशन दिया। फिर मिनरल राइट्स, जिस तरीके जो चाहे वो आयरन मिनरल्स हो, मेटेलिक मिनरल्स हो, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो, इनकी ओनरशिप एलोकेशन, इन सब चीज़ों पर इसमें रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आप देखोगे कि बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, सो आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन। और इसके पहले, बिफोर प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिशमेंट हो, इसके पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया 1949 में, इसके बाद से जब 26 जन 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो हमारे DPSP हैं वो एडॉप्ट किए गए थे। और DPSP में स्टेट के लिए कुछ रिकमेंडेशन थी कि गवर्नेंस किस तरीके के हों, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें बात की गई DPSP पे। और दूसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर जो स्टेट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया गया, या ये कह सकते हो दोनों को रोल दिया गया। ना ही हमने कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट किया जहाँ पर पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन था, दूसरी तरफ सोशलिस्ट अप्रोच था जहाँ पर कम्प्लीटली आप कह सकते हो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होगी। तो इंडिया ने बीच का एक बैलेंस्ड रास्ता अपनाया कि प्राइवेट प्लेयर्स की भी जगह है और हमारे पब्लिक प्लेयर्स की भी जगह है, जिससे कि लोगों को बेटर सर्व किया जा सके, ये अच्छा भी था। तो इसके बाद फिर 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है, और प्लानिंग कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो असेसमेंट है हमारे कंट्री, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री में, उनका असेसमेंट किया जाए, किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, हम किस तरीके से उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें जिससे कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बूस्ट कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ, और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको अचीव कर पाएँ। तो इस तरीके का प्लानिंग कमीशन यहाँ पर आता है, और प्लानिंग कमीशन ने काफ़ी अच्छा काम भी किया। आप देखेंगे कि इंडिया जिस जिस कंडीशन में, आपको पता है इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट रहा है, जिस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जो एग्रीकल्चर का हमारा फैब्रिक था, सेटअप था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, किस तरीके से कॉमर्शियल क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया था, और किस तरीके से जो हमारा एक वर्किंग क्लास था उसको सिर्फ लेबर्स बना दिया गया, लैंडलेस लेबर्स बना दिया गया, किसान बनाकर छोड़ा गया, और जिस तरीके से फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो अब जिस कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा था, तो वहाँ पर इंडिया के पास
सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये थी प्लानिंग कमीशन की कि किस तरीके से जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें और जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं उनको अचीव करें. इंडिया का जो 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 जीडीपी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, जो लोग हैं इंडिया के उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, ह्यूमन रिसोर्स जनरेट किया जाए, पॉवर्टी इराडिकेशन किया जाए, राइट. इसके बाद से एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे सेगमेंट थे जिन पे इम्प्रूवमेंट किया जाने का टारगेट रखा गया. प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम इसको बेटर डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अभी हम प्लानिंग पर ही अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में इस्टेब्लिश की गई. ये अपेक्स बॉडी थी, मतलब टॉप बॉडी थी जो डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग होगी उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाएंगे उसके लिए ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी. तो ये बेसिक हमारा टाइमलाइन रही है इंडिया में प्लानिंग का, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे कि जो जो प्लानिंग कमीशन है इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा. तो प्रेजेंट में अभी क्या है, नीति आयोग है. ये पूरी टाइमलाइन हो गई आपकी, गेटिंग इट. तो इसके बाद अगर मुझे नहीं लगता कि टाइम लाइन में अभी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप बस इसको एक स्टोरी की तरह समझो कि पहले अच्छा ये हुआ था, उसमें ये आया, इसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ऐसे करके एक स्टोरी बिल्डअप कर लो. तो इंडिया में जो प्लानिंग रहा है उसका पूरा हिस्टोरिकल बेस समझ आ जाएगा आपको, प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये समझ में आ जाएगा. इज देयर एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि उस आपके जो डाउट्स हैं उसको दूर कर सकूँ. फिर अगर हम फिर आते हैं 5 ईयर प्लान. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया था जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था एंड पब्लिक सेक्टर का भी रोल था. और 5 ईयर प्लान्स हमने यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होकर किया था. और 5 ईयर प्लान्स में हम 5 साल का टारगेट बनाते थे और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस किया जाता था, एरिया को, कि जैसे क्या इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे या एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, इन सब चीज़ों को. तो वेरियस जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको थोड़ा समझते हैं तो बेटर आइडिया लगेगा कि कैसे प्लानिंग बनाई गई, कैसे एग्जीक्यूट की गई प्लानिंग. ओके okay? सो ये 5 ईयर प्लान हमारे, जो पहला 5 ईयर प्लान था हमारा, वो अब इसमें थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी. सो डोंट गेट बोर. ओके, अब ये बोर मत होना कि पूरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या आप मैम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं तो उनको तो एज इट इज़ ही बताया जाएगा ना आपको. अगर कहीं कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी. सो पहला 5 ईयर प्लान जो है उसकी टाइमलाइन देख लो, 1951 से 1956. और यहाँ पर लीडरशिप आपके पहले जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू थे. और इस ये जो पहला 5 ईयर प्लान था उसको ये हैरोड डोमर मॉडल था, उसमें फ्यू मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट किया गया. इस मॉडल पर फोकस कहाँ पर किया गया था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे. तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट था जिसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था. बट ऑब्वियस है क्योंकि अब ये भी, क्योंकि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब हम 1951 में थे उस टाइम पे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि जहाँ पर बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ को रन किया जा सके. ना ही इतना टेक्निकल जो एडवांसमेंट भी नहीं था इंडिया के पास. जैसे अब इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ये सारी चीजें चाहिए. बट उस समय तो इंडिया में ये सब चीजें इतना डेवलप नहीं हुई थी ना. तो उस समय जो एग्रीकल्चर सेगमेंट था वो इंडिया की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले कर रहा था. बहुत सारे लोग एक मेजर सेगमेंट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा था. तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात की गई यहाँ पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए 1956 टू 1961. अब ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये पीसी महल नोबिस मॉडल पर बेस्ड था. अब इस मॉडल की खासियत ये थी कि इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस किया गया, जोर दिया गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए. हम एग्रीकल्चर से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हमें इंडस्ट्रियल जो बेस है वो डेवलपमेंट करना पड़ेगा. उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी. तो
तो सेकेंड 5 ईयर प्लान की ये खासियत थी। थर्ड 5 ईयर प्लान आप देखो 1961 टू 1966, और इसे गॉडगिल योजना बेस्ड जो था उस ये प्लान जो था इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। और जो ये प्लान था थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसमें मेन फोकस किया गया एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। मतलब क्योंकि आप देखेंगे कि 1961 जो 1966 का ये जो टाइम पीरियड था, इसमें इंडिया दो जो वॉर थे, जो युद्ध थे, उस पर इंगेज रहा था। पहला तो हमारा जो चाइना इंडिया का वॉर हुआ था 1962 में, फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ 1965 में। तो इस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसकी वीकनेसेस एक्सपोज होती हैं। वीकनेसेस क्या थी? क्योंकि इंडिया अभी भी एक तरीके से सेल्फ रिलायंट नहीं था। इस समय जो इंडिया था, इवन इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इंडिया का जो एक तरीके से जो जो फूड सप्लाई थी वो भी वल्नरेबल कंडीशन पे थी। हम जो फूड सिक्योरिटी थी उसको भी हमने अचीव नहीं किया था। तो यहाँ पर फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर को भी डेवलपमेंट किया जाए, और साथ ही साथ हमारा फोकस शिफ्ट होता है डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ भी यहाँ पर। तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जहाँ पर इंडिया ने दो वॉर किए, एक चाइना के साथ एक पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ पर एक मैसिव चेंज आता है इंडियन प्लानिंग सिस्टम में। आप देखोगे यहाँ से इंडिया जो हमारी इकोनॉमी की जो प्लानिंग सिस्टम था उसकी वीकनेसेस बाहर निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर फोकस आप देखोगे, आप धीरे धीरे इंडिया आप रियलिज्म की तरफ जाएगा और उन सारे सेगमेंट पे भी फोकस करेगा जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे वो हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए हो। तो अब इसके बाद से थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 5 ईयर प्लान नहीं पॉसिबल हुआ था, तो यहाँ पे प्लान हॉलीडेज इसे बोला गया, जो गैप क्रिएट हुआ था थर्ड ईयर प्लान एंड 4 ईयर प्लान के बीच में। तो जो आपका प्लान हॉलीडे है, ये 3 एनुअल प्लान्स यहाँ पर आए। 3 एनुअल प्लान्स जो आए थे 1966 से 1969 के बीच में, इसे प्लान हॉलीडे बोला गया। और मेन रीज़न क्या था? जो इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था। बट ऑब्वियस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो हम यूपीएससी वाला एग्जाम्पल ले रहे थे कि आपने यूपीएससी क्रैक करने का प्लान किया, टारगेट किया, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा रोड मैप बना लिया इस टारगेट को अचीव करने के लिए, बट बीच में कुछ हर्डल आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ इश्यूज आ गए, या आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, आप कोचिंग नहीं कर पाए, तो इस तरीके से फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे अपने टारगेट को अचीव करने में। तो अब इसी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान के साथ हुआ। टारगेट्स तो किए गए, बट जो ये बीच में जो जो इश्यूज आ गए थे, जो क्राइसिस आई थी, इसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान को प्रॉपरली अचीव नहीं किया जा सका था। तो ये प्लान हॉलीडे लेकर आया गया। तो प्लान हॉलीडे, अब समझ में आ गया क्या था? जो बीच का गैप था उसमें जो एनुअल प्लान्स लाए गए थे वो था, राइट। नेक्स्ट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसकी टाइमलाइन है 1969 टू 1974। अब जो फोर्थ ईयर प्लान था, इसमें मेन फोकस कहाँ पर किया जाएगा? ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी वो भी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जो आज बात की जा रही है ना आत्मनिर्भर भारत की। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी कुछ ऐसा प्लान रखा गया कि इंडिया को अभी ना सेल्फ रिलायंस कंट्री बनाना है। हमें एक जो हमारा फूड ग्रेन था, जो फूड सिक्योरिटी थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे ग्रेन थी, बेस्ड थी। तो हम जैसे कि अमेरिका से बहुत सारा इम्पोर्ट करते थे, गेहूँ, राशन, जो भी चीज़ें थी वो सब। तो अभी यहाँ पर बात की गई कि हमें सेल्फ रिलायंस अचीव करना है। अब सेल्फ रिलायंस अचीव करना है तो क्या किया जाएगा? यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ आई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आपसे ने सुना हो तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था, स्पेशली गेहूँ, उसका प्रोडक्शन एक मैसिव लेवल पे ट्रांसफॉर्म हुआ था, अचीव किया गया था, जहाँ पर फर्टिलाइजर यूज़ किए गए, जो हाई यील्डिंग सीड्स थे, अच्छे वैरायटीज़ के वो यूज़ किए गए, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ थी उसको स्ट्रॉन्ग किया गया, डेवलप किया गया। तो आप देखोगे कि मैसिव प्रोडक्शन होता है, जो वीट प्रोडक्शन होता है उसमें, और ये प्रोडक्शन इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने में हेल्प किया। नेक्स्ट एक मेजर स्टेप यहाँ पर लिया गया था, जो इंडियन बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि
इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ये हो गया फोर्थ ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो ये इसकी टाइमलाइन हो गई 74 to 78, और इस 5 ईयर प्लान में फोकस रखा गया गरीबी हटाओ, मतलब पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब आप देखोगे कि जो फोकस था, जो पहले पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री, अब आप धीरे धीरे देखोगे कि डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं रखा जा रहा है, जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव रख दिया गया। अब आप देखोगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान आते आते इंडिया ने काफ़ी कुछ सीख लिया था अपनी हिस्ट्री से, तो जो सिचुएशन उस समय डिमांड कर रही थी, तो आप देखोगे जो टारगेट्स थे उनको डाइवर्सिफाई किया गया। मल्टीपल सेगमेंट्स में साइमल्टेनियसली ध्यान दिया जाने लगा कि अच्छा, अब डिफेंस भी ज़रूरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, और लोगों को जो पॉवर्टी एलिवेशन है वो भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी देना है, लिटरेसी भी बढ़ाना है, जो मल्टीपल सेगमेंट्स में बात की जाने लग गई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोलिंग प्लान की बात करें। अब रोलिंग प्लान क्या है? जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, जो ये जहाँ पर गरीबी हटाओ की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद से ये जब 1978 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान ख़त्म होता है, तो 1978 से 90 तक जो प्लान लाया गया उसको रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान आपका जो था, बेसिकली 3 प्लान्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे रोलिंग प्लान के तहत। वो क्या थे? जो बजट है वो प्रेजेंट ईयर के लिए लाया गया, और जो प्लान वॉज फिक्स दी नंबर ईयर 3, 4, 5, मतलब पर्सपेक्टिव प्लान फॉर, एक तरीके से जो करंट ट्रेंड चल रहा था ना 5 साल के लिए प्लान, तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनेट किया गया, और जो 5 ईयर प्लानिंग की जगह यहाँ पर रोलिंग प्लान अडॉप्ट किया गया। एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे किया गया। फिर आप फिर से हमने रिज्यूम किया 5 ईयर प्लान को, एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान लाया गया, दैट इज 1980 से 1985 के बीच में। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो रखा गया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब जो इकोनॉमिक सेगमेंट था वहाँ पर लिबरलाइजेशन, मतलब एक तरीके से जो रूल्स थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी इंडस्ट्री को इस्टैब्लिश करने से रिलेटेड, या प्राइवेट प्लेयर को की एंट्री से रिलेटेड, उन नॉर्म्स को क्या किया गया? फ्लेक्सिबल बनाया गया। जो रिजिडिटी थी उसे कम किया गया। तो अगर आप किसी को इंडस्ट्री इस्टैब्लिश करना है, आपको या मेरे को कोई इंडस्ट्री इस्टैब्लिश करनी है, तो हम इजीली इंडस्ट्री इस्टैब्लिश कर सकते हैं। जो पेपर वर्क होता है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पहले बहुत रिजिड थे। आपने इंस्पेक्टर राज एक वर्ड सुना होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो इंस्पेक्टर राज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक्स हर्डल्स थे, बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थे। मान लो अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होगा, फिर कुछ एम्प्लॉयज़ रखोगे आप, उनको वेजेस, तो ये सारे इनसे रिलेटेड जो लॉज थे वो बहुत टफ थे, डिफ़िकल्ट थे। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में जो ये नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, राइट? तो ये होते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो 6th 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में, फिर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दिया जाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाने लगा, ये मेन फोकस था। 7th 5 ईयर प्लान आते हैं, टाइमलाइन है 1985 to 1990, और यहाँ पर जो मेन फोकस था सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, इस पर फोकस किया जाने लगा। अब ज़रूरी भी था, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आपके पास होगी तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अपना प्लान यूपीएससी क्रैक करने वाला प्लान जो कर रहे थे, तो उसमें रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है ना। आप ऑनलाइन, आप घर बैठे बैठे, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठकर वाजीराम के वीडियोस देख सकते हो, आप इनसाइट के वीडियोस देख सकते हो, राइट? आप विजन आईएएस के वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आप ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे आप
अफोर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी था। इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें अपने अचीव करना था तो टेक्नोलॉजी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी था। टेक्नोलॉजी में आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हो करना, ट्रांसपोर्ट डेवलप करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, राइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थीं। टेक्नोलॉजी जैसे होगा तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है एनुअल प्लान। तो आप देखोगे कि 1990 से 91 एंड 91-92 जो पॉलिटिकल वोलेटाइल सिचुएशन थी इंडिया में, तो जो एट्थ 5 ईयर प्लान था उसको डिले कर दिया गया, तो एनुअल प्लान्स लाया गया। फिर एट्थ 5 ईयर प्लान था वो आया आपका 1992-1997 पर, और यहाँ पर जो बात की गई थी वो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो टैंजिबल थिंग्स थी, जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इन सबसे हटकर धीरे धीरे फोकस कहाँ पर आएगा, अब ह्यूमन रिसोर्स पे आएगा। आप देखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हो जाएगी, उसमें जिसमें आप एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इसके बाद से एम्प्लॉयमेंट, इन सारे जो मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आपने जीडीपी ग्रोथ अचीव कर ली एक लेवल तक, मतलब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गए, लेकिन जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। आप ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अच्छा रहेगा तो वो बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्दी रहते हो, आपकी हेल्थ आपका साथ देती है, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो, बट हर दूसरे तीसरे दिन आप बीमार पड़ रहे हो, बुखार आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई में इसका असर पड़ेगा ना, आपकी पढ़ाई कम होगी तो आपके टारगेट्स डिले होंगे। तो आप कहते हैं ना कि अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी था। तो ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो गया था ताकि जो हमारे पास इकोनॉमी है उसे हम और फर्दर बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान, तो इसकी टाइमलाइन है 1997 to 2002, जिसमें मेन फोकस रखा गया ग्रोथ विद दी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। अब यहाँ आने तक क्या किया हमने, पैसे भी बना लिए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो गई थी, जीडीपी मतलब अच्छी हो गई थी, पर कैपिटा इनकम भी हो गई थी, राइट। इसके बाद से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कर लिया हमने, हमने ह्यूमन रिसोर्स पर जब ध्यान दिया तो ह्यूमन रिसोर्स पे एजुकेशन, हेल्थ, राइट, इसके बाद नौकरी हो गई, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिल रही थी, जो जो इजीली एक्सपोज हो रहा था या जिसको प्लेटफॉर्म मिल पा रहा था, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी भी उनको ये सारी चीज़ें, एजुकेशन नहीं मिल रही थी, पब्लिक हेल्थ अच्छी नहीं मिल रही थी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो अब यहाँ पर फोकस किया जाने लगा सोशल जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, मतलब जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। जैसे हम अभी यहाँ पर दो चीज़ें आप एग्ज़ाम्पल लें, अगर बेटर रिलेट कर पाओगे शायद आप मेरे एग्ज़ाम्पल से, जस्ट अ सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज एंड अर्बन, तो आप देखोगे कि जो एजुकेशन है वो अर्बन जो पीपल हैं उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटी है, जबकि जो रूरल पीपल हैं उनके पास उतनी बेटर फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन की, वो प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे अभी भी। तो गवर्नमेंट का काम क्या था, सोशल जस्टिस, मतलब सभी को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, सो गांव के बच्चे को भी एजुकेशन मिले, राइट। और ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात यहाँ पर आई। नेक्स्ट 10th 5 ईयर प्लान, जिसकी टाइमलाइन है 2002 से 2007, और यहाँ पर जो बात किया गया था कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल किया जाए, पॉवर्टी को कम किया जाएगा, वही सारी चीज़ें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी। फिर 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान में क्या होगा, 2007 से 2012, और यहाँ पर रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाएगी। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि जब हम जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, राइट, फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे थे, फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे कि जो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को मिल रही थी,
तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को जब मिल रही थी तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई सबको मिलनी चाहिए ना ये सारी अपॉर्चुनिटीज़, सबको एजुकेशन मिले, सबको पब्लिक हेल्थ मिले, सबको जो एम्प्लॉयमेंट है उसके इक्वल चांसेस मिले। तो उसके लिए क्या सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात आई, बट अभी भी बहुत सारे सेगमेंट्स थे जो रह रहे थे, बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन हो गई, सो वुमेन को इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं मिल रही थी क्योंकि हमारे इंडिया में पैट्रियाटिक सोसाइटी है जिस तरीके से, पुरुष प्रधान समाज रहा है जिस तरीके से, तो वुमेन को फॉर एग्जांपल उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या रूरल पीपल को नहीं मिल रही थी, या ट्राइबल पीपल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, शेड्यूल कास्ट को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में इन सारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे उनको भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, इन सारे टारगेट को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया गया वो इंक्लूसिव प्लानिंग हो जाएगी, कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें को बराबर कंसिडरेशन दिया है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में आप देखेंगे कि सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद से 12th 5-year प्लान 2012 से 2017, और इसमें फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब ये सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव आपको समझ में आ गया होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ का ये मतलब है कि जो ये ग्रोथ हो रही है, जो ये जीडीपी ग्रोथ हो रही है या जो इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, ये सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल को अगर सिंपल डेफिनेशन में समझा जाए तो ये है कि जो प्रेजेंट जो जेनरेशन है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं, और साथ ही साथ जो फ्यूचर जेनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज बचा रहे हैं उसके हिस्से के। ऐसे नहीं है कि जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बस हम उनका एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं और फ्यूचर जेनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी रहे और जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम अगर जो कोल है, ये मान लीजिए इतना रिसोर्स है कोल का, तो अब ये कोल को अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमने क्या करना होगा, हमें ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब हम इसे जनरेट नहीं कर सकते हैं अगर एक बार ख़त्म हो गया, बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ईयर्स लगते हैं कोल बनने में। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी ताकि हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज को जनरेट कर सकें। तो सस्टेनेबल ग्रोथ आप समझ आ गया। एग्रीकल्चर में अगर हम इसे सस्टेनेबल ग्रोथ को समझें, अगर ताकि आपको ये सब जो टर्म्स है ना इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो जैसे एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में आप लगातार फर्टिलाइज़र यूज़ करते जाओगे, इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ करते जाओगे ट्रेडिशनल, तो क्या होगा, जो आपकी लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर आपको बनाना है तो क्या करोगे कि जो लैंड है आपकी वो हमेशा प्रोडक्टिव रहे, आपकी जनरेशन में आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी प्रोडक्टिव रहे। तो इसके लिए क्या करेगी, आप क्या करोगे, नेचुरल फार्मिंग अपनाओगे, जो जो आर्टिफिशियल जो केमिकल फर्टिलाइजेशन है उनका इस्तेमाल ना करके आप क्या नेचुरल फार्मिंग करोगे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आजकल चल रहा है जिसमें आप केचुए वाली केचुए की को यूज़ करोगे, फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे गोबर की खाद हो गई, ये सारी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे जिससे कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम ना हो, वैसी ही बनी रहे। तो ये हो गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करने पर फोकस किया जाने लगा। तो होप सो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ ये टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। अब जब ये 2017 में एनडीए गवर्नमेंट आती है तो आप देखोगे कि जो यहाँ तक चला आ रहा था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर रहा था। तो अब यह 21st सेंचुरी चल रही थी और 21st सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत हाई लेवल का हो चुका था, तो अभी देखोगे यहाँ पर कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग काम नहीं कर रही थी, या दूसरा था वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच काम नहीं कर रहा था। मतलब अब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में जब सेंटर प्लानिंग बनाएगा तो सभी स्टेट को वही प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा ना जो 5-year प्लानिंग में टारगेट्स होंगे।
तो ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं कर रहा था। क्यों? हो सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं और उन्हें अलग तरीके की प्लानिंग चाहिए। जो साउथ में स्टेट हैं उनके पास अलग रिसोर्सेज हैं, उन्हें अलग प्लानिंग की ज़रूरत है। जो ये सेंट्रल बेल्ट है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे अलग रिसोर्सेज हैं, अलग ह्यूमन रिसोर्स हैं, यहाँ पे अलग प्लानिंग चाहिए। तो एक तरीके का प्लान सभी जगह फिट नहीं हो रहा था और ना ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अब रिलेवेंट रह गई थी। तो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, एनडीए गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग कमीशन है उसे डिसॉल्व किया और इसको रिप्लेस किया नीति आयोग से, और इसके बाद से 13th 5-year प्लान नहीं लाया गया। अब इस जब 13th 5-year प्लान नहीं लाया गया तो अब क्या है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर पॉलिसी गाइड मैप गवर्नमेंट बनाती है और नीति आयोग का यहाँ पर बहुत ही बेटर रोल हो गया है। तो 3-year एक्शन प्लान बनाए गए, एक ब्रॉड रोड मैप बनाया गया गवर्नमेंट के लिए, उसकी आउटलाइन स्कीम्स बनाई गई, राइट, कि किस तरीके से हमें आगे मूव करना है। तो ये चेंजेस एनडीए गवर्नमेंट ने प्रेजेंट में किए। तो ये प्रेजेंट की जो करंट चीज़ें हैं ना, ये आपको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है, जिससे कि आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो इन्हेंस हो पाए। तो अब नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि आज की वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग लगेगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5-year प्लान्स, ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव थे। एंड हिस्टोरिकल जेनेसिस ऑफ द प्लानिंग हमने जो समझा वो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो ये 4 टॉपिक्स को आज हमने समझा है। कोई डाउट हो तो मुझे